आ गए तुम। तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी? 3 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूं। कहां थी तुम? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूं। फिर तुम आज लेट, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। एटलीस्ट एक कॉल तो कर दिया करो यार। क्या फिक्र हो रही तुम्हें? ये फिर होने का ना, ड्रामा मत करो। बीबी हो, बीबी बन कर रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। एक तो ऑफिस में इतनी टेंशन रहती है, अब तुम्हें ये भी बताऊँ कब आ रहा हूँ कब जा रहा हूँ। तुम मुझे ना परेशान बिल्कुल मत करो। मेरा जब मन होगा मैं तब घर आऊंगा। मेरे रास्ते से हटो। अरे आ गए आप। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। 3 बज गया है। कम से कम एक फोन ही कर देते। मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ। आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अरे मैं तो बस ये बोल रही थी कि मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। अरे आ गए आप। कहाँ गई थी? रात के 10 बज रहे हैं। तुम्हारे आने जाने का कोई टाइम डिसाइड है कि नहीं है? और किससे मिल के आ रही हो? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो। मैं कहीं भी नहीं गई थी, ना ही किसी के साथ गई थी, और ना ही मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। आपने अपना फोन चेक किया? मैंने आपको कितने कॉल किए थे पर आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैं आपको बताने के लिए फोन कर रही थी कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था मैंने। मैंने उनके लिए घर पे खाना बनाया, उन्हें दवाई दी, और मैं उनसे उनसे बोला भी कि घर चलो, पर वो नहीं आई, इसलिए मैं उनको फिर सुला के आ गई। आपने मुझसे बिना पूछे मुझे छापड़ मार दिया। आपने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि क्या वजह थी, कहाँ थी, क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं पूछा। बस आपने मुझे गलत समझ लिया। यही फर्क है तुम में और मुझ में। जब आप लेट आते हो तब मुझे आपकी फिक्र होती है, लेकिन आपको मेरे पे सिर्फ शक होता है। I'm sorry, Sristi. हेलो सृष्टि। हेलो। मैं ये कह रहा था मैं आज घर जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, अगर कुछ लाना हो तो बताओ, मैं ले आऊंगा। नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, बस आप घर आ जाओ, फिर ना हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। हाँ शाम में जल्दी आ जाऊंगा मैं। हाँ ओके बाय।